तो यार मैं फाइनली आ गया हूँ इधर गणेशनवारी पे ट्रक अड्डा। कढ़ाइयों के साथ साथ इधर ना ये बारबेक्यू भी होता है इधर बीफ का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। यार अभी अभी आपका भाई उठा है, वगैरह वॉश किया था, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यार रात वाला जो मैच है ना पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, बहुत ना बुरी तरह आ रहा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से, ठीक है, उसका बहुत दुख हुआ है। अच्छा यार मैच जो है ना रात वाला एंड तक ना एंड वाली बॉल तक लड़ते रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो ऐसी टीम है कि इसने पूरे वर्ल्ड कप में ना 450 तक ना स्कोर लेके जाती रही हर तो, लेकिन पाकिस्तान ने ना इनको 270 का टारगेट दिया था, तो वो 270 जो है ना बड़ी मुश्किल से करने दिए थे साउथ अफ्रीका को, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, खैर हार गई है टीम, किस्मत में लिखा था, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप हमारा ना हारना किस्मत में। असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊंगा वो दूसरे घर, ठीक है, कल आपको बताया था कि वो दूसरे घर ना जब जो नया बन रहा है ना घर जा चुका है, मतलब अपना ही घर है, ठीक है, उधर ताला शाला लगा हुआ था तो इस वजह से उधर की वीडियो नहीं बना सका, तो बस नमाज पढ़ने के बाद निकलते हैं उधर। A few inches later. मैं आ गया हूँ दूसरे घर, ठीक है, तो ये काम शाम हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ना हो रहा है काम, ठीक है, तो ये दीवारें शवारें ना बनवाई हैं अभी ना, नीचे भी जाना था लेकिन ये ना दरवाज़ा लगा हुआ है, ये साइड पे ना ममटी बनवाई है ना, नहीं नहीं तो एक दो दिन लगेंगे इसको ना सूखने में प्रॉपर, तो नहीं तो नीचे जाना था आपसे, नीचे मतलब के जो घर है ना कमरे शमरे वो भी आपको दिखाने थे, लेकिन फिर किसी दिन आएंगे प्रॉपर इस पर ब्लॉग बनाएंगे भी। तो पानी शानी जमा हुआ है, ये बस ना छत छत बनवानी है ना, मिट्टी डलवा के ना ऊपर टाइलें जो उनसे लगवाते हैं, फिर इससे ये होगा कि पानी शानी जो उनसे ना खड़ा नहीं होता छत पर। 5 minutes later. नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी, नमाज वगैरह पढ़ के मैं दूसरे घर से भी होके आ गया हूँ, अभी देखते हैं किचन में केले शेले पड़े होंगे तो उसका बना के पीते हैं शेक, तो देखते हैं मेरे ख्याल से पड़े होने हैं, शर्ट ऑन करते हैं, हाँ ये पड़े होंगे केले, ठीक है, तो इसका बनाते हैं हम शेक। केले तो हमें मिल गए हैं लेकिन दूध भी आपको पता है कि शेक दूध के बगैर तो नहीं ना बनता, तो फ्रिज में से देखते हैं दूध शूट किधर पड़ा है, नीचे तो नहीं पड़ा हुआ, नीचे वाला खाना ऊपर वाला खाना देखते हैं भाई, ये पड़ा हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है, ठीक है, दूध अभी इसको रखते हैं थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो नहीं नहीं वैसे थोड़ा सा है मतलब कि पिघला हुआ है, ठीक है, तो इस बना इसका बनाते हैं अभी शेक। आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ शेक बनाने का, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है जग, ठीक है, हाँ जी मुबशर पुत्र दसो तरीका शेक बनाने का, मुबशर पुत्र ने तो शेक एक वैसे बड़ी ना सोचने की बात है, मुबशर पुत्र ने ना बड़े बड़े खानों की वीडियो बनाई है लेकिन शेक की वीडियो नहीं बनाई। मोस्टली किसी बंदे से पूछा जाए ना यार, लड़कियों से पूछा जाए हाँ जी क्या क्या बना लेती हो आप, लड़कियाँ कहती हैं यार हम बना लेती हैं नूडल्स चाय, मतलब कि मेन जो उनसे काम है ना उसकी तरफ नहीं आती, जैसे खाना शाना बनाना हो कढ़ाई शढ़ाई या इधर घर की हांडी रोटी करनी वो काम नहीं करने आते, वैसे नूडल्स चाय ये चीज़ें पता आपको लड़के बना लेते। तो दूध डालने के बाद भाई साहब ये पहले तोड़ने केले, यार फाइनली हमारा शेक तैयार हो गया है, ठीक है, तो पीते हैं ज़रा मज़ेदार। केक वगैरह मैंने पी लिया है, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ ज़रा एक काम, तो वो काम ही आपको बताना क्योंकि कुछ सीक्रेट भी होता है हर चीज़ उन्हें ना आपको पता शेयर कर दी जाती है, समझा करें आप भी, आप भी समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, ठीक समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ठीक है, तो वो मैं काम करके फ्री हो जाऊँ तो फिर एक जगह भी जाना है उसका मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ बताने वाली है। यार फाइनली ना मैं फ्री होके आ गया हूँ, एक काम क्या हुआ था अभी ना थोड़ी देर तक हम जाने लगे हैं ट्रक अड्डे, उधर से ना खाएंगे दुम्बा कढ़ाई, ठीक है, ट्रक अड्डा या मेरे घर से 5 मिनट का ही रास्ता है, तो यार मेरे साथ जाएंगे भाई नीस, ठीक है, तो हम जा रहे हैं यार चार साल बाद मैक्सिमम ना हम जा रहे हैं, इतना अरसा ही हो गया है दुम्बा कढ़ाई खाए हुए, मेरा ना गला सूखा हुआ है पता नहीं, पानी पीता हूँ थोड़ी देर तक ना जाके नीचे, 4-5 साल बाद हम जा रहे हैं ट्रक अड्डे दोबारा ना कढ़ाई शढ़ाई खानी उनकी दुम्बा कढ़ाई,
और जाएंगे उधर वैसे ना ट्रक अड्डे गणेश अनवारी। यार अब हम जाने लगे हैं ट्रक अड्डे, मैं और बैनीस। A few moments later. आ गया हूँ इधर गणेश अनवारी पे ट्रक अड्डा, तो ये खान साहब हैं इधर, तो जाते हैं अंदर ऑर्डर शोर्डर देते हैं। तो ये बाइक आपके भाई ने इधर पार्क कर दी है, तो निज़ाम देखें ज़रा कितना बड़ा सेटअप है इनका, चेक करें ज़रा आप, कढ़ाइयाँ कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। हम पहुँच गए थे 5 मिनट के बाद गणेश अनवारी ट्रक अड्डा लाहौर, तो इनके पास चेक करें माशाल्लाह से सेटअप कितना बड़ा है। इनका गैस पे नहीं बनाते, इनका असल मक टेस्ट जो है ना कोयलों पे है। तो कढ़ाइयों के साथ साथ इधर ना ये बारबेक्यू भी होता है इधर, बीफ का मटन का, ठीक है। तो काफ़ी इनका मतलब माशाल्लाह सेटअप, आपको पता ही है कि गणेश अनवारी ट्रक अड्डे की फेमस है। लेकिन यार लाहौर में भी ना वैसे ना काफ़ी असल जो ना मेन जो ना मज़े की कढ़ाइयाँ होती हैं वो होती हैं ट्रक अड्डे की फेमस, जैसे लियास तुंबा कढ़ाई, गणेश अनवारी हो गया। तो जाते हैं अंदर थोड़ी देर तक, मतलब कि ऑर्डर शोर्डर देते हैं। रिव्यू दिखाने के बाद हम आ गए अंदर फाइनली ऑर्डर देने के लिए। सबसे पहले इधर से अपनी पसंदीदा गोश्त वगैरह करवाएँगे, दुम्बे का तो मैंने करवाया था, पुट का गोश्त। उसके बाद ये भाई साहब हमारे गोश्त की बोटियाँ कर रहे थे। यार ऑर्डर शोर्डर हमने दे दिया है, ठीक है। तो अब जा रहे हैं ऊपर बैठने के लिए सीलिंग पे, ठीक है। तो हम जाएंगे रूफ टॉप पे, तो यार जा रहे हैं ऊपर ना रूफ टॉप पे, ठीक है। तो 2-3 इनकी मंजिलें हैं, 3-4 मंजिलें हैं ऊपर ना रूफ टॉप पे जाने के लिए। आगे हम रूफ टॉप पे, ठीक है। तो इधर रश चेक करें कितना ज़्यादा है। तो यार ट्रक अड्डे गणेश अनवारी में बैठने का ऐसे लेटने का बड़ा सुकून आता है, पूरा ना देसी माहौल होता है, ठीक है। तो फाइनली ऑर्डर शोर्डर बस थोड़ी देर तक हमारा आ रहा है, 5-10 मिनट तक। तो भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई, आपके भाई ने दोपहर का खाना खाया हुआ है, ठीक है। वेट शेट कर रहे हैं हम, बस बड़ी यार देर के बाद हमारी कढ़ाई आई है, ठीक है। 2 घंटे वेट करना पड़ा है यार। ये हमारी आ गई है कढ़ाई, तो खाना शाना शुरू करते हैं, तो मिलते हैं आपको खाने। फाइनली हमने ना खाना शाना खा लिया है, ठीक है। उसके बाद ये खाने खा रहे हैं हम गुड़, ये वाला। तो वैसे हम ना बाहर से आपको पता है कोई फास्ट फूड खाया उसके बगैर आपको बाद आपको पता ही है कि हम खाते हैं मीठा, लेयर वगैरह हो गया, केक शेक हो गया। और इधर गणेश अनवारी है, पठानों ने हमें ये गुड़ दिया है, ठीक है। ये गुड़ शुड़ खा रहे हैं। हाँ जी भाई, नीज़ कैसा लगा टेस्ट? बड़ा ज़बरदस्त है, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, और इनका टेस्ट हमेशा अच्छा है, कोऑपरेटिव होते हैं, और इनका मियार है पूरे लाहौर में सबसे अच्छा है गणेश अनवारी। तो वैसे हमने ना कोई इतनी स्पाइसी कढ़ाई नहीं लगवाई हुई, उनकी अपनी गणेश अनवारी जो कढ़ाई होती है ना ओरिजिनल वाली, वो लगवाई हुई थी बगैर मसाले, बगैर मिर्चों के, लाल मिर्चों के बगैर, तो मज़े का टेस्ट था। तो बेलशील करवा रहे हैं। पर अब आपका भाई ना पीने लगा कावा, ठीक है। तो कावा वैसे बड़ा ना अच्छा होता है खाने के बाद, क्यों खाना शाना हजम हो जाता है। इसके साथ अभी ना मैंने गुड़ मंगवाया है, तो वो साथ इसके खाते हैं। यार खाना शाना खा के हम आ गए नीचे, ठीक है। तो बड़ा कमाल का टेस्ट था इनका। The next day. Hello जी, welcome back to the new day. तो यार अभी अभी आपका भाई उठा है, ठीक है। तो बस स्नान वगैरह आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है। तो नाश्ता करने जा रहे हैं आप। नाश्ता करने आ गए हम अपने मोहल्ले के फेमस चिकड़ चने वाले के पास। ये जी हमारे चिकड़ चने आ गए हैं, तो बच्चे वैश्यों की तरह जुड़ गए हैं खाने के लिए। तो मैंने बस एक ही नाश्ता करने गए हुए थे, ठीक है। तो सूट ना वो सामने दुकान वाले को पकड़ा गए थे, तो वापस आके देखा दुकान बंद हो गई है। तो सूट देना था फसराल को, फसराल के बड़े भाई को, तो अब उसका वेट कर रहे हैं। मूड बनने लगा अपना क्रिकेट शिकट खेलने का ना इधर गली में, शाम शाम करके आ गए थे, अब होने लगी इधर क्रिकेट। क्या चमला? तो यार मैंने ना शरोज को फ़ोन पकड़ाया हुआ था, वो पीछे से मेरी बदखुइयाँ कर रहा था, तो मैंने इसलिए फिर वॉइस ओवर कर ली थी। चौका लगा दिया। आपका भाई आउट हो गया था, ठीक है। तो इसरार भी आउट हो गया, तो अब इसरार बॉलिंग कर रहा है उधर, तो शरोज बैटिंग कर रहा है। ओए ओए ओए। जल्दी यार आउट करो इसे, या फिर मैं करता हूँ। क्रिकेट हमने खेल ली थी, ठीक है। तो अब इधर शरोज के घर आए हैं, ऊपर ना नया बन रहे, तो इधर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, भी बन रही है चाय। शरोज के घर से ना चाय वगैरह पी ली थी हमने, चारों आप लंडे, ठीक है। उधर से ना चादर वगैरह लानी थी घर के लिए ना, तरपाल जिसे कहते हैं वो। फाइनली हम आ गए इधर स्टेशन पे, ठीक है। इधर से कपड़ा शपड़ा लेने जंगले का को कहा हुआ है भाई ना, निकाल लेंगे कपड़ा ना लेने गए हुए। फाइनली ना हमने तरपाल का ले लिया, ठीक है, इस भाई से।
चलते हैं घर जाके शरारत में भी फादशाह भी करवाना है। 2000 years later तो यार मैं ना तरपाल वगैरह लेके ना घर आ गया था, ठीक है। तो अभी खाना शाना खाया, सुबह का भाई ने नाश्ता ही किया है, नान चलों का। आज के व्लॉग को इधर ही करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ना आज का व्लॉग जरूर पसंद है। अगर पसंद है तो सैफ राजपूत व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।